आई फॉल फॉर दिस रेसिपी सिंस चाइल्डहुड। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये नॉन वेजिटेरियन रेसिपी है और बहुत सिंपल है। तो मैंने बचपन से ट्राई किया है और ये ऐसे ही बनती है और ये बहुत सिंपल है। तो ये किसकी रेसिपी है? ये बैचलर्स रेसिपी है जो मुझे मेरे पापा बताने वाले हैं। और बैचलर्स जो अपने घर से दूर है वो ज़रूर इसे एक बार ट्राई करें। तो चलिए हम पहले रेसिपी चेक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं है ये। नॉर्मल जिंजर गार्लिक अनियन मिर्च इन सब का हम क्रश कर लेंगे। इसका पेस्ट नहीं बनाना है, बस हल्का सा क्रश कर लेना है। और इससे हम मैरिनेट करने वाले हैं अपने चिकन को। ये मैरिनेट मेरे पापा कर रहे हैं फिलहाल। ये डिश भी वही बना रहे हैं क्योंकि ये उन्हें बहुत अच्छे से आता है। सारा मिक्स हम अभी नहीं डालेंगे, हाफ अभी डालेंगे और हाफ बाद में डालेंगे। यहाँ पे मैंने चिकन मसाला थोड़ा सा डाला है और दही डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप जैसे भी चाहो वो डाल दो। और इसको मिक्स करेंगे हम। अब मिक्स करना है तो हाथ तो लगेंगे ही, तो उसको हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे और उसको रेस्ट पे रखेंगे फॉर 30 मिनट्स। चिकन हम अपना मस्टर्ड ऑयल में कुक करते हैं। बेसिकली नॉनवेज अक्सर मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा टेस्टी होता है, तो इसीलिए इस ऑयल का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ खड़े मसाले मैंने डाले हैं जैसे तेजपात, ब्लैक पेपर, लौंग, अगर आपके पास हो तो आप डाल दो। जो भी आपके बचे हुए क्रश थे आप वो भी डाल के हल्का सा भून लो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हल्का सा ही रोस्ट करना है। यहाँ पे हमारा जो चिकन 30 मिनट्स हो गए थे उसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। इस चिकन में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस प्री प्रिपरेशंस करने पड़ेंगे, वो हो जाएगा तो ये चिकन बनना बहुत इजी है। इसीलिए इसको बैचलर डिश बोलते हैं। जिनको नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता, वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। ये बहुत सिंपल है, किसी से भी बन जाएगा। इस डिश में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस 5-5 मिनट में इसे ओपन करके मिक्स करते रहना है और ये रेडी हो जाएगा। इसमें मैंने पानी बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, ना डाला है, आप लोग भी मत डालिएगा। हमारा ये चिकन ऑलमोस्ट हो चुका है। सी ये बहुत टेस्टी है। आप चाहो तो इसको चपाती के साथ भी खा सकते हो या चावल के साथ भी खा सकते हो, दोनों के साथ ये बहुत अच्छा लगता है। तो डू ट्राई दिस रेसिपी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। आप ज़रूर एक बार इसे ट्राई कीजिएगा। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय।